हमारे साथ रमेश शिंदे जी, विनोद बंसल जी और बहुत बड़ी संख्या में कॉलर। मुझे अभी अभी बताया गया एपी पे कि कई कॉलर वेटिंग में है और अपनी बात को रखना चाहते हैं। लगातार जाकिर का पर्दाफाश इस सुदर्शन के कार्यक्रम से देश और विदेश में रह रहे मानवतावादी लोग इतने आहत है कि अपनी बात को रखने की इस मंच का सही उपयोग करने के लिए आतुर है। मैं रमेश जी और विनोद जी दोनों की एक एक त्वरित प्रतिक्रिया चाहूंगा। पहले विनोद जी। देखिए, प्रतिक्रिया तो समाज देगा इसकी निश्चित रूप से, जिस तरह से जो कांड इसने किए हैं। लेकिन आप बोलते समाज देगा, समाज कहती है कि वीएचपी हिंदू का संगठन कहती है खुद अपने आप को, तो वीएचपी नहीं दे रही है। नहीं नहीं, वीएचपी क्या देगा भाई, समाज का हिस्सा वीएचपी है। और ये ऐसे बड़े तालिबानीकरण का विरोध करना, ये कानून के तहत जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत सरकार को करना ही चाहिए निश्चित रूप से। हमने अभी तक जो है क्या आप ऐसे आदमी को सरकार के हवाले छोड़ेंगे? अगर आप छोड़ रहे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये सरकार इसका कुछ भी नहीं करेगी। नहीं देखिए, ये सरकार नहीं करेगी तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ेगा। वो तो सरकार को, हिंदू समाज को जो भुगतना पड़ेगा उसके लिए आप क्या करें? हिंदू समाज उसकी प्रतिक्रिया देगा निश्चित रूप से, हिंदू समाज उसकी प्रतिक्रिया देगा। अभी वो सरकार का मनस्थिति टटोल रहा है कि अभी जो स्थिति अभी ये कहां तक लेके जा रही है, कहां तक टॉलरेंस पावर है सरकार की। जब सरकार की टॉलरेंस पावर खत्म हो जाती है, जब पब्लिक की टॉलरेंस पावर खत्म हो जाती है, तब वो सरकार के खिलाफ खड़ी होती है। अब देखिए, जिस तरह के कांड ये कर रहा है एक व्यक्ति, जिस तरह का तालिबानीकरण इसने सरकार अपने भारत के अंदर किया है, उसको देख करके अभी जो हमने प्रयास किया तो पीस टीवी पर बैन लगा। हालांकि ठीक है, बैन लगने के बावजूद भी पीस टीवी हमें कई जानकारी मिली है कि अभी भी भारत के अंदर कई जगह चल रहा है। उसको जो है उसको रोकवाना और ऐसे व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगाना, ये भारत सरकार का परम कर्तव्य है। अगर वो अपने कर्तव्य से विमुख रहती है तो निश्चित रूप से हम, हमारे संगठन और हमारा समाज, ये जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो चुप नहीं बैठेंगे। अभी तक यही था कि भाई किसी विकृत मानसिकता के व्यक्ति को ज़्यादा हाईलाइट करने से भी कई बार कोई नुकसान हो जाते हैं, लेकिन जब वो नुकसान ज़्यादा करने लग जाता है तो उसमें लगता है कि अब उसका गला तो आप क्या मानते हैं, ये नुकसान ज़्यादा कर रहा है या कम कर रहा है? नहीं निश्चित रूप से अब लग रहा है कि भाई इसका जो है ना, अब सरकार अगर नहीं करेगी तो निश्चित रूप से जनता उठेगी। रमेश जी। जी, मैं यहाँ पर एक और एक दुखद भरी बात बताना चाहूँगा कि जाकिर नाइक का जो कार्यक्रम हमने मुंबई में रद्द करवाया था सोमाया ग्राउंड में, उसी कार्यक्रम को महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है आरआर पाटिल, उनके पार्टी का जो विधायक है जितेंद्र आव्हाड, उन्होंने अपने चुनाव के क्षेत्र में जाकिर नाइक के कार्यक्रम को, मुमरा जिसे कहते हैं, थाने में है, वहां पर उसने उसको परमिशन दी है। तो यानी मुझे तो नहीं लगता है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है। जिन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए, जिन्होंने उसको अंदर डालना चाहिए, वो उसको अपने क्षेत्र में उसको अगर परमिशन देती है तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि उससे कुछ नहीं होगा। और हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। हालांकि आज का मुद्दा जाकिर का क्या किया जाए ये नहीं है, हम भारत अगर तालिबानी बनता है तो कैसे आपके अधिकार, सपने और आपका वजूद होगा, ये दिखाना और बात करना है। कॉलर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, बोलिए। हाँ सर, क्या कहेंगे? मैं पश्चिम बंगाल से दिनेश चौधरी बोल रहा हूँ। हाँ, ये जाकिर साहब जो हैं, हाँ, ये कहाँ कहाँ से आ गए जो इतने बड़े इनके पावर हो गया है समस्त हिंद और हिंदुस्तान और हिंदू देवी देवताओं को अपमान कर रहे हैं। इतनी बड़ी ताकत इनको कहाँ से आ गया? तो हमारी सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है, हम लोग हाथों पर हाथ रख कर बैठे हैं। एकमात्र जो है हम सुदर्शन भाइयों उन लोगों से कह रहे हैं कि वही लोग जो है। धन्यवाद, अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए चौहान जी। हाँ, ये जो ये पाखंड फैला रहा है ये जाकिर नाइक, ये तो तालिबान वाला जो आप बता रहे हैं, तालिबानी हुकुम तो इसने जारी कर दिया है, लेकिन बाद वाले परिणाम नहीं जान रहा है कि इसका परिणाम क्या होगा। ये हिंदू हिंदू ने जो सुन्नी समुदाय है उसके खिलाफ भी इसने बोला, सिद्धार्थ नगर का इटवा है कस्बा एक, हेलो, इटवा एक कस्बा है, वहाँ पे इसने बुर्का पहन के भागा है, सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट में इटवा कस्बा पड़ता है जो,
और ये कमियां चौहान जी हम ही लोगों की हैं जो ये आज ये बोल रहा है, क्योंकि सरकार से अपेक्षा करते हैं, सरकार भी भ्रष्टाचार के मुद्दे में चारों तरफ से घिरी है, वो भी सोच रही है कि इसको थोड़ा बुना दो जिससे भ्रष्टाचार से बाहर निकल आए। तो सरकार से अगर जो सनातन जो ओरिजिनल सनातन में विश्वास रखते हैं अगर वो सरकार से अपेक्षा करते हैं तो वो गलत है। बिल्कुल, इसको तो खुद देना चाहिए जवाब। हम आपको दिखाते हैं कि जाकिर कैसे कहता है कि मंदिर ना बना देने की जाकिर की थ्योरी जरा आप सुनिए। असल में हमें अपने मजहब की तबलीग की और अपनी इबादतगाहों की तामीर की इजाजत होती है, अगर होती है तो फिर सऊदी अरेबिया में और दूसरे इस्लामी मुल्कों में चर्च बनाने की परमिशन क्यों नहीं मिलती जबकि आप मुसलमान लंदन और पेरिस में अपनी मस्जिदें बनाते हैं। चंद इस्लामिक मुल्कों में मिसाल के तौर पर सऊदी अरेबिया एटसेट्रा में propagation of any other religion is prohibited, even construction of any place of worship is also prohibited. और इसमें कई गैर मुस्लिम कहते हैं कि हम जब आपको अलाउ करते हमारे कंट्री में पाते यूरोप में आते अमेरिका में आते तबलीग करते मॉस बनाते तो हमें क्यों नहीं परमिशन है। इसका मैं सिंपल सवाल पूछता हूँ कि मैं गैर मुस्लिम से ये पूछता हूँ, अगर आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और अगर आप मैथ टीचर चुनना चाहते हैं और तीन टीचर आते हैं, एक टीचर से आप सवाल पूछे दो जमा दो कितना, पहला टीचर कहता है कि दो जमा दो तीन, दूसरा टीचर कहता है दो जमा दो चार, तीसरा टीचर कहता है दो जमा दो छः। तो मैं ये उनसे पूछता हूँ वो टीचर जो कहता है दो जमा दो तीन या दो जमा दो छः क्या आप उसको स्कूल में रखेंगे, तो वो कहते नहीं। रचू आप उसको पढ़ाने देंगे, बोलते नहीं पढ़ाने, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि उसे मैथमेटिक्स का सही इल्म नहीं है। इसी तरीके से जहां दीन का सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान जानते हैं कि इन दीन इंदा इस्लाम सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3:19 के आते कि सिर्फ एक ही सही दीन है वो है इस्लाम। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3:85 में क्या इस्लाम के अलावा कोई भी दिगर मजाहब अल्लाह सुबहान व तआला कबूल नहीं करेंगे। तो दीन के मामले में हम जानते हैं इस्लाम ही सिर्फ सही दीन है, इसीलिए हम दूसरे दीन का प्रोपगेशन अलाउ नहीं करते। जहां तक कि दूसरा सवाल है कि हम चर्च बनाने देंगे या टेम्पल बनाने देंगे, जब दीन ही गलत है और चर्च में ईसा अलैहि सलाम को पूजना गलत है, बुतपरस्ती गलत है, इसीलिए हम गलत चीज हमारे मुल्क में अलाउ नहीं करें। ये हम कोई छुपा वीडियो नहीं दिखा रहे, ये एक टीवी चैनल पर दिया हुआ इंटरव्यू है जिस पर ये सारी बातें जाकिर नाइक कहता है। उसके कहने के अनुसार हिंदू का बेसिक फंडामेंटल गलत है, इसके कहने के अनुसार सारे जो गैर मुस्लिम धर्म है उनका फंडामेंटल अर्थात 2+2=4 नहीं है, वो केवल इस्लाम का है। क्या आप इस बात से सहमत है? क्या जाकिर की इस बात में आपको यह नहीं दिखता कि आपकी आराध्य वैष्णव देवी का मंदिर नहीं रहेगा? क्या आपको यह नहीं दिखता कि जिस तिरुपति के सामने दर्शन कर आप अपने बाल को अर्पण करके आते हो मंदिर नहीं रहेगा? क्या आपको जाकिर के इन बातों से शिरडी के साईं बाबा से लेकर आपके गांव के या शहर के हनुमान और बिरोबा मंदिर तक उद्वस्त होते हुए नहीं दिख रहे? अगर ऐसा नहीं दिख रहे तो आपको दूर का नहीं दिखाई देता, और दूर का नहीं दिखाई देने वाले व्यक्ति का खाई में गिरने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, और आप इससे बचे। इसलिए हम ये सारे वीडियो आपके सामने लेकर आकर आपको बता रहे हैं कि जाकिर आपको कहां लेके जाना चाहता है, और अगर इस देश का तालिबान होगा तो आपका ये राष्ट्र, आपका ये देश, और देश तो छोड़िए।